हाय फ्रेंड्स, 19th में मतलब फ्राइडे को, कल के बाद परसों, परसों है न्यू मून। ओके, और न्यू मून पे हम गॉडेस एकाटे का रिचुअल तो करते ही हैं। बहुत सारे रिचुअल अब तक मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ गॉडेस एकाटे के। ओके, सो न्यू मून के हनी का रिचुअल है, आप हनी की वीडियो देख सकते हो। आप अगर यूट्यूब में सिर्फ गॉडेस एकाटे बाय सुमन शर्मा डालोगे, वहाँ पे मेरी सारी गॉडेस एकाटे के वीडियोस आ जाएंगी लाइन से, और उनको आप फॉलो कर सकते हो। आप जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है गॉडेस एकाटे कौन है, वो भी उन्हीं वीडियोज में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, गॉडेस एकाटे वो नाम जिसको लेते ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। किसी भी प्रॉब्लम में हो, कहीं भी किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, आप सिर्फ उनका नाम लेके पुकार के देखो, कनेक्ट करके देखो उनके साथ, इंस्टेंट हेल्प मिलेगी आपको। ओके, एंड लोगों की विशेस भी मैनिफेस्ट हो रही है, सो काफ़ी मिराक्युलस है, काफ़ी मिराक्युलस है। नाउ हर न्यू मून पे हम इनकी चाबी को चार्ज करते हैं। चाबी, कौन सी चाबी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? नॉर्मल आपके घर में कोई चाबी पड़ी हो, स्पेयर। ओके, अगर आयरन की हो, लोहे की चाबी हो तो और भी अच्छी बात है, उसको आप ले लो, छोटी सी लो, ताकि वो हमेशा अपने पास रहे। गॉडेस एकाटे के बहुत सारे साइंस हैं। ओके, जैसे टॉर्च हो गया, चाबी हो गई, क्रॉस रोड हो गया, ब्लैक डॉग्स हो गए, इस तरह के काफ़ी सारी हैं। क्रॉस रोड से रिलेटेड हम रिचुअल करना शुरू कर चुके हैं और काफ़ी इफेक्टिव भी है। ठीक है, पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि रोड पे से आप एक स्टोन लेके आएंगे उठा करके, और अपनी जो भी विशेस हैं उसके लिए आप उसमें प्रे करेंगे, अफर्म कर सकते हैं, और वापस से उस पत्थर को जा करके आप उसी क्रॉस रोड पे, चौराहे पे फेंक के आ सकते हैं। चौराहा नहीं है तो रोड पे ही डाल दो, लेकिन डाल दो, और वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर रही है हेल्थ के मामले में। जिन लोगों के यहाँ कोई ऐसे हैं जो बेड रिडन हैं या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को बता दूं कि गॉडेस एकाटे का आज जो हम रिचुअल करने जा रहे हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे 3 नंबर को। 3, ये जो नंबर है ना, ये नंबर भी गॉडेस एकाटे का ही है, मतलब इस नंबर से गॉडेस एकाटे रिलेट करती हैं, अगर आप सिंपल सी शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं तो। ठीक है, नाउ गॉडेस एकाटे अगर आप लोगों से रिलेट कर पा रही हैं कोई नंबर से, नंबर 3 से, तो आप इस नंबर को यूज़ कैसे करोगे? सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज के दिन रिचुअल करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब 19th of May को, परसों फ्राइडे को रात के टाइम पे, जब अंधेरा हो जाए, मतलब शाम ढल जाए, उस टाइम पे आप ये रिचुअल करेंगे। उस टाइम पे आपको एक पेपर चाहिए, एक पेन चाहिए, कोई से भी कलर का पेन हो, ब्लैक हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, ब्लैक नहीं है तो ब्लू, रेड, जो भी है उसको यूज़ कर सकते हो। प्लेन पेपर पे एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे। ठीक है, उस सर्कल को, उस पेपर को आप, सपोज़ ये पेपर है, मैंने इस पर एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाया, और इस पेपर को मैं अपने पास लेके बैठूंगी। ठीक है, एक जगह, और इस पेपर के ऊपर आपको 3 काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी उनको ऑफर किया जाता है, ये उनकी ऑफरिंग्स में शामिल है। ओके, सो ये 3 ब्लैक पेपर आपको लेना है, आपके किचन में इजीली अवेलेबल होगा। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, जिनके पास ब्लैक पेपर नहीं है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तब वो अपनी की को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ की को रख सकते हैं, बाकी यहाँ पे जो ब्लैक पेपर के साथ करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, आपने सर्कल बनाया, पेपर अपने पास रखा, पेपर उस सर्कल के अंदर आपको ये 3 ब्लैक पेपर रखने हैं, नंबर 3 उस सर्कल के अंदर लिखना है। सर्कल के अंदर ही ब्लैक पेपर रहेगा, सर्कल के अंदर ही नंबर 3 लिखेंगे। ब्लैक कलर के पेन से लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, और इसी सर्कल के अंदर आपकी की रहेगी। सबके पास अपनी गॉडेस एकाटे की चाबी है, वो चाबी इसी सर्कल के अंदर आप रखेंगे। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर यहाँ पे। ठीक है, आप इसको रखिए, और फिर अपनी चीज़ें, आप जो भी विशेस हैं आपकी, प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, उस चीज़ के लिए आप प्रे करना शुरू करोगे गॉडेस एकाटे से। ठीक है, आप प्रे करोगे इस सर्कल में देखते हुए। आपका ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ सर्कल पे होना चाहिए। आप सर्कल में देखते हुए प्रे करोगे कि मेरी ये विश है, या ये प्रॉब्लम है, या ये हेल्थ इश्यूज़ है, इसको आप ख़त्म कर दो गॉडेस एकाटे। बस इस तरह की पॉजिटिव प्रेयर रहेगी। प्रेयर से पहले आपको गॉडेस एकाटे के जो स्विचवर्ड हैं उसको चैंट करना है, और गॉडेस एकाटे के स्विचवर्ड से पहले हम ड्रैगन को एक्टिवेट करते हैं। ड्रैगन को, ड्रैगन जो स्पिरिट है जिससे गॉडेस एकाटे रिलेट करती है, उस
स्पिरिट को हम इन्वोक करते हैं, तो उसको इन्वोक करने के लिए आप ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ स्टार्ट करेंगे चैंट करना। और इस बार क्योंकि हम नंबर 3 को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो कि गॉडेस इकाटे का नंबर है, सिंबल है, ओके, एक तरह से नंबर में अगर कोई सिंबल माने तो नंबर 3 है। तो जो भी आप स्विच वर्ड हैं, चाहे वो गॉडेस इकाटे मैजिक बिगिन नाउ है, चाहे वो ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ है, दोनों को सिर्फ तीन तीन बार ही रिपीट करोगे, तीन बार ही रिपीट करोगे आप लोग, ठीक है। और तीन बार रिपीट करने के बाद इस सर्कल में ही देखते हुए अपनी प्रेयर करोगे। सो क्लियर है, सर्कल बनाया, ब्लैक पेपर रखा 3, इसके बाद काली मिर्च, काली मिर्च 3 दाने रख दिए, अपनी चाबी रख दी और नंबर 3 सर्कल के अंदर लिख दिया। इसके बाद 3 बार हमने ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ चैंट किया, 3 बार हमने गॉडेस इकाटे मैजिक बिगिन नाउ चैंट किया। इसके बाद हमने अपनी प्रेयर बोली गॉडेस इकाटे को। बोलने के बाद आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पेपर को आप फोल्ड करोगे, चाबी निकाल लोगे इसमें से, चाबी वापस अपने फोन के कवर के पीछे या जहाँ पे आपको सेफ अपने पास हमेशा के लिए रखना है, पर्स में, वॉलेट में, आप उसमें रखिए। और ये जो पेपर है जिसमें ब्लैक पेपर है और ये नंबर लिखा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसको आप फोल्ड कर लोगे। फोल्ड मतलब सपोज कि ये पेपर है सिंपल सा, और इस पेपर में मैंने एक ब्लैक पेपर रखे हैं, की रखा है, सब रखा है। इस पेपर को की निकाल के और ब्लैक पेपर और जो सर्कल और नंबर है इसको अच्छे से आप क्रश कर लो, जो पेपर है, जो काली मिर्च है वो इसके अंदर है। नाउ इस पेपर को आप क्या करोगे, सिर्फ अपने ऊपर से इस तरह से घुमाओगे 3 times अगेन, ओके। सो 3 times अपने ऊपर से, आप ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी घुमाओ, 3 बार अपने ऊपर से घुमा के इस को आप बाहर जाकर के रोड पे थ्रो करोगे। अगर क्रॉस रोड है घर के आसपास तो प्लीज क्रॉस रोड पे ही डाल दो, ज्यादा अच्छा है। नहीं है तो फिर आप रोड पे ही फेंक दो इसको, उसी रात ये काम खत्म हो जाना चाहिए, नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ओके। अपनी चाबी को लेके बाद में आप हाथ में, आप जो मेडिटेशन है हम करते हैं या चैंटिंग है उसको आप कर सकते हो, अगर आपका मन है आप जरूर कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी चाबी में वो पावर्स रहे, ठीक है। ये होता क्या है, जनरली हम कहते हैं कि हमने बिना चाबी के भी प्रेयर कर ली और वो प्रेयर एक्सेप्ट हो गई, होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन क्या होता है जब उनके जो न्यू मून इस तरह के डेज आते हैं और चाबी लेके आप उनसे प्रेयर करते हो तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी प्रॉब्लम में हो, किसी ज़रूरत में हो, तो आपको चाबी हाथ में लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने सिर्फ उनको आवाज़ दिया और वो एनर्जी आपके लिए काम करनी शुरू कर देती है। तो इस न्यू मून पे हमने यहाँ पे नंबर 3 इनकॉर्पोरेट किया, 3 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं और सर्कल यूज़ किया है और अपनी चाबी, इसके साथ हम अपना रिचुअल कर रहे हैं और डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा ही, क्योंकि 1, 2, 3 नहीं पता नहीं कितनी सारी सक्सेस स्टोरी है जो मैं अब तक अपलोड कर चुकी हूँ, और बहुत सारी तो कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना सारा है लॉट, ओके। एक एक करके मैं डेफिनेटली सबको पोस्ट करूंगी इंस्टा पे ऑलरेडी पोस्टेड है सारी स्टोरीज, कुछ जो बाकी हैं उनको भी पोस्ट कर दूंगी। सो गॉडेस इकाटे के मिराकल से आप लोग भी वंचित मत रहिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर गॉडेस इकाटे की वीडियोस देखिए और चाबी रखिए अपने पास, ताकि आप लोगों की लाइफ में कभी कोई हर्डल कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली उससे बाहर निकल जाओ, ओके। सो गॉडेस इकाटे का रिचुअल ज़रूर कीजिए, बहुत सारी स्टोरीज हैं और सक्सेस स्टोरी भी मैं डालूंगी ताकि आप लोग उसको देख पाएँ। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।